तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से एक मां ने अपने जवान बेटे को आखिरी विदाई देने के लिए गीत गाया। ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। गीत गाने वाली महिला छत्तीसगढ़ की मशहूर लोक गायिका है। जवान बेटा अर्थी पर लेटा हुआ है, परिचित रिश्तेदार फफक रहे हैं, माहौल में गम पसरा हुआ है और एक माँ अपने परलोक से धार चुके बेटे को जीवन की नश्वरता बता रही है। माँ बता रही है कि बेटा इसका क्या भरोसा, ये शरीर तो मिट्टी का बना है। छत्तीसगढ़िया रंगमंच का बड़ा नाम है कविता तिवारी। हजारों बार देश और दुनिया के सामने इस गीत को गा चुकी है, लेकिन अपने जवान और होनहार बेटे की मौत पर उनका ये गीत सुनकर लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा है। छत्तीसगढ़िया रंगमंच का सितारा था सूरज। मंच पर गाना हो, वाद्य बजाना हो या फिर एक्टिंग, हर फन का माहिर, लेकिन दिल में ऐसा रोग लगा कि जीवन का सफर खत्म हो गया। चले गए, अभी बहुत काम करते सुबह, हर वाद्य बजात रही सुबह, गाना गात रही सुबह, एक्टिंग करत रही सुबह। हम माँ बाप के ना बखान नहीं कर पाऊँ कि वो कितना बड़े हीरे रही से कार रही से, वो समझ नहीं आया। बच्चा तो सब माया एक ही होते, सब बेटी बेटा पर, लेकिन कुछ अलग टाइप के वो कर साथ में हमारे से ना जुड़ाव रही से। कविता तिवारी और उनके पति दीपक तिवारी का रंग छत्तीसा ग्रुप है। दुनिया भर में ये ग्रुप अपना हुनर दिखा चुका है, न जाने कितने सम्मान मिले, हबीब तनवीर जैसे दिग्गजों के साथ काम मिला। दीपक तिवारी अब लकवे का शिकार हो गए हैं और पूरा परिवार जबरदस्त आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, लेकिन पूरे परिवार ने कभी कला का साथ नहीं छोड़ा। मृतक सूरज इस ग्रुप का संचालक बनकर छत्तीसगढ़िया रंगमंच का नाम रोशन कर रहा था। माँ कविता हर कदम पर उनका मार्गदर्शन कर रही थी। जब सूरज का इस दुनिया का सफर खत्म होने को आया, तब भी उनकी माँ ने उन्हें जीवन की सच्चाई बताई। मैं उसको सुनाई उस गाने को, वो तो कभी नहीं बोला था कि ये गाना गाओ या, मैं अपने इच्छा से गाई हूँ बेटा उसको। बेटे की अंतिम यात्रा में भी कविता ने सुर और संगीत का पूरा अनुशासन निभाया। जिस राग और जिन वाद्य यंत्रों के साथ वो रंग मंच पर इस गाने को गाती रही है, अपने बेटे को भी आखिरी विदाई में उन्होंने उसी तरह इन वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बेटे को बताया कि दुनिया में एक दिन सभी चले जाते हैं, आज तुम जा रहे हो, मैं भी एक दिन वहीं आऊंगी। इसलिए मैं गाई हूँ कि सब इंसान ने एक दिन जाना है बेटा, चाहे वो बड़े होए या छोटे हो या अमीर हो या गरीब होए। तो वही दिल में पत्थर रख के गाँव कि वो समय में नहीं सोचे कि चल मोर बेटा आज यहाँ दुनिया से विदाई होते करके। इसलिए मैं उसको सुनाई हूँ कि नहीं बेटा, एक दिन सब ला जाना है बाबू, अब ते भी जाता साथ, दुनिया ने मोला भी जाना है, सब ला जाना है। इसलिए मैं गाने को सुनाई हूँ उसको। कहते हैं कि जवान बेटे की मौत दुनिया का सबसे बड़ा गम है। कविता को अपनी सारी उम्र इसी गम के साथ काटनी है, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने बेटे को अंतिम विदाई दी, वो माँ की ममता के साथ साथ एक कलाकार के अनुशासन की पराकाष्ठा है। टीम न्यूज़ नेशन।